हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हमारी कंट्री में लॉकडाउन था, उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंट्री को अनलॉक किया गया। गाइडलाइंस इशू की गई गवर्नमेंट द्वारा, जिनको बोला गया अनलॉक वन। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और हमने उनको फॉलो भी किया। अब फ्रॉम 1 जुलाई गवर्नमेंट जो है वो नई गाइडलाइंस इशू कर रही है, जिसको कहा गया है अनलॉक 2.0। ये गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि इसमें स्कूल कॉलेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ ये गाइडलाइंस क्या है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये साफ साफ मेंशन किया है कि वो एरियाज़ जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ परमिटेड है, लेकिन जो ये नीचे 5 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट दोनों जोन्स में परमिटेड नहीं हैं। गाइडलाइंस क्या हैं ये, कि जो स्कूल कॉलेजेस, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दोबारा बोल रही हूँ मैं ये बात, ध्यान से सुनना। स्कूल कॉलेजेस आर क्लोज टिल 31 जुलाई 2020। मतलब अब हमारे एग्ज़ाम्स और आगे जा सकते हैं। यूजीसी ने अभी तक गाइडलाइंस नहीं दी थी, क्योंकि यूजीसी अनलॉक 2 की गाइडलाइंस का वेट कर रही थी। होपफुली अब यूजीसी जल्दी से जल्दी अपनी गाइडलाइंस देगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, क्लासेस को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो है वो नहीं होगा, मेट्रो रेल्स क्लोज रहेंगी, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगी, किसी भी तरह का कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट ऐसा कोई फंक्शन करने पे पूरी मनाही है। सो, ये कुछ बातें थी जो गवर्नमेंट ने बताई हैं कि ये चीज़ें अभी हम कंटेनमेंट नॉन कंटेनमेंट किसी भी जोन में परमिट नहीं कर रहे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्कूलों कॉलेजों के बारे में, 31 जुलाई तक ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अब यूजीसी जल्दी ही अपनी गाइडलाइंस देगी। अगर आप चाहते हो आप तक ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे, हम आप तक पहुंचाएंगे ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। इसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। आप जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। थैंक यू।